हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर फ्री फायर मैक्स में एक अपडेट देखने को मिल रहा है जो कि 5.39 MB का अपडेट है। एंड ये जो अपडेट है ये आपको गेम के अंदर डेली देखने को मिलता होगा। जब आप दिन भर में पहली बार गेम को ओपन करते हो तब आपको फर्स्ट में ही 5.39 MB का अपडेट देखने को मिलता होगा। एंड ये जो अपडेट ये कुछ दिन पहले आपको 1.4 MB का देखने को मिल रहा था, लेकिन अभी जो ये अपडेट बढ़ के 5.39 MB का अपडेट हो गया है। एंड फ्रेंड्स, आप इस प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व नहीं करोगे तो आगे जाकर कोई 10, 15, 20 ऐसे करके आपको जो है डेली अपडेट का साइज बढ़ता रहेगा एंड आपको गेम के अंदर डेली अपडेट प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में आपको इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताने वाला हूँ, कैसे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो एंड कैसे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके कैसे गेम को खेल सकते हो, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इसलिए आप इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक वॉच करना। चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड पास में जो बेल आइकन दिख रहा है उसे ऑल पे सेट कर देना मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग को बताता हूँ क्यों आपको गेम के अंदर डेली अपडेट प्रॉब्लम देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, ये जो डेली अपडेट प्रॉब्लम है ये ज़्यादातर आपको दो मोबाइल में देखने को मिलता है, पहला रियलमी एंड दूसरा ओप्पो का फोन। अगर आपका रियलमी एंड ओप्पो का फोन है तब आपको गेम के अंदर जो है डेली अपडेट प्रॉब्लम आता है। एक्चुअली होता है क्या है कि इन दोनों फोन में कि जब आप फ्री फायर मैक्स को अपडेट करते हो या उसका कलेक्शन पैक डाउनलोड करते हो उसका एक डेटा फाइल बन जाता है आपके फोन में। एंड जब भी आप अपने फोन को क्लीन करते हो या नहीं भी करते, आपके मोबाइल में एक सेटिंग ऑन रहता है क्लीनर ऐप पे जो कि अननेसेसरी डाटा को ऑटोमेटिक डिलीट करता रहता है। एंड इसी वजह से है जो फ्री फायर मैक्स का जो डेटा फाइल डिलीट हो जाता है एंड इसी वजह से आपको गेम के अंदर जो है डेली अपडेट प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि फोन मैनेजर यानी कि जो क्लीनर ऐप होता है फोन में उस कौन सा वो सेटिंग है जिसे आप ऑफ कर दोगे तो आपको ये जो गेम के अंदर डेली अपडेट प्रॉब्लम आ रहा है ये आपका नहीं आएगा। तो चलिए आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, उसके लिए आपको करना है क्या है कि आपको अपने फ़ोन के क्लीनर ऐप यानी कि रियलमी एंड ओप्पो का फ़ोन होगा तब आपका फ़ोन मैनेजर नाम का एप्लीकेशन होगा जो कि रियलमी एंड ओप्पो का क्लीनर ऐप है, उसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको ऊपर में टू डॉट दिख रहा होगा इस वाले जगह पे, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे सेकंड नंबर पे आपको सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको फर्स्ट में सेल्फ चेक का एक ऑप्शन दिख रहा है, उस पर आपको क्या करना है क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे जो कि ये वाला सेटिंग एवरीडे पे सेट होगा इसे आपको ऑफ कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि सेकंड नंबर पर ऑटो स्टोरेज क्लीन अप का एक ऑप्शन दिख रहा है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। एंड इसी सेटिंग वजह से जो आपका फ़ोन ऑटोमेटिक क्लीन होता है एंड जो कि आपका ऑटोमेटिक क्लीन होने की वजह से फ्री फायर मैक्स का डेटा फाइल डिलीट हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि इसको आपको नेवर पर कर देना है। जब आप ये दो सेटिंग को ऑफ एंड नेवर पर कर दोगे उसके बाद जो आपका फ्री फायर मैक्स का डेटा फाइल ये आपका ऑटोमेटिक डिलीट नहीं होगा एंड ना ही आपको गेम के अंदर जो डेली अपडेट प्रॉब्लम आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपका भी रियलमी एंड ओप्पो का फोन है बस आप जाकर क्लीनर ऐप में ये दो सेटिंग को ऑफ कर दो, उसके बाद आपका डेली अपडेट प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस यही बताना था। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।